ओके जी, तो इस टाइम मेरे सामने टू ऑफ द फाइनेस्ट बाइक्स ऑफ दिस जनरेशन जो पाकिस्तान में इस टाइम चल रहे हैं एज कम्यूटर बाइक्स और एज ऑफ रोडिंग बाइक्स कह सकते हैं. ठीक है, दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, टूरिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि ये है YBR 125G और ये है CB150. ऑब्वियसली इनका कंपेरिज़न पावर के लिहाज से कोई कंपेरिज़न नहीं है. 149 डिस्प्लेसमेंट CB150 की है और 124 डिस्प्लेसमेंट है YBR की. ठीक है, इसका कंपैरिजन बनता है GS150 से या GR150 से. ठीक है, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम YBR से कंपैरिजन कर रहे हैं. प्राइस दोनों की काफ़ी ज़्यादा है, इस तरह भी कह सकते हैं कि टू ऑफ द मोस्ट ओवर प्राइस्ड बाइक्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइस है इनकी, तो इसलिए भी इनका कंपैरिजन करना है कि इनका कंफर्ट, इनके जो और फीचर्स हैं उस लिहाज से इनका कंपैरिजन करना है हमने. ठीक है, तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा चीज़ें. CB150 थोड़ी सी इसकी हालत ख़राब है. ठीक है, उस हालत पे आपने नहीं जाना, काफ़ी चीज़ें इसमें ख़राब हैं, एक्सीडेंटेड है. ठीक है, तो उस पे आपने हालत पे नहीं जाना, हम फीचर्स पे बात करेंगे. और YBRG मैंने रैप करवाया हुआ है तो काफ़ी अच्छी हालत में, नया मॉडल है इसका. ठीक है, लुक्स की बात करें तो दोनों बाइक्स बहुत अच्छे हैं लुक्स में. ठीक है, CB150 आप देख सकते हैं, बड़ी प्यारी एयर स्कूप्स और टैंक का शेप दिया हुआ है पीछे से थोड़ा सा उन्होंने सीधी सी सीट दी हुई है जो YBR वालों ने थोड़ी स्पोर्टी लुक में दी है. ठीक है, दोनों बाइक की लुक बहुत अमेजिंग है. YBR ऑब्वियसली बेटर है शेप में भी और लुक्स में, मतलब काफ़ी बेहतर है. तो लुक के हिसाब से मैं पर्सनली जो नंबर दूंगा वो YBR को दूंगा, उसके बाद आता है ये CB150. ठीक है, क्योंकि आपने देखा हो GS150 सुजुकी वालों ने कोई बहुत ही पुरानी शेप हमेशा से, उन्होंने सदियों से चलाई हुई है, तो होंडा वालों ने कुछ नया करना चाहा है तो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी अच्छी शेप है, नो डाउट. अब जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उनमें ग्रे कलर है विद ऑरेंज रिम्स, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव सा लगता है. CB150 की बात करें तो इसमें ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन आता है और YBR में भी ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन आता है. ठीक है, बैलेंसर के साथ होते हैं ताकि इनमें कोई वाइब्रेशन वगैरह ना हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. फोर स्ट्रोक इंजन हैं इनके और दोनों 5-speed हैं. ठीक है, पहला गियर आगे लगता है, बाकी गियर जो है पीछे की तरफ लगते हैं, दोनों में ये चीज़ सेम है. अच्छा, इस वीडियो में हम जो है ना तीन बाइक्स का कंपैरिजन कर रहे हैं. एक GS150 हमने इमेजिनरी बाइक रखना है, उसके फीचर्स माइंड में रखने हैं, वो अवेलेबल नहीं है अभी, लेकिन हम कंपैरिजन करेंगे उसकी पावर का CB150 के साथ और बाकी फीचर्स का हम YBR के साथ करेंगे, क्योंकि बाकी आपको समझ आ रही होगी कि क्या डिफरेंस है बाइक्स में. ठीक है, अच्छा फ्रंट पे हम देखें तो दोनों में डिस्क ब्रेक्स हैं. ठीक है, बहुत ही अच्छी ब्रेक्स हैं दोनों की, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की दी हुई है. GS150 में थोड़ा छोटा जो उसकी डिस्क होती है, ये छोटी है उसमें. ठीक है, वो उस पर उनको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी आप मशीन बना रहे हैं तो ये चीज़ आप नहीं दे रहे. CB150 की जो प्राइस है उसमें मैं कहता हूँ इसके बैक पे भी होनी चाहिए डिस्क ब्रेक, यूज़ करता है इसकी टॉर्क 12 पॉइंट समथिंग है. ठीक है, YBR की बात करें तो ये भी 10.4 प्रोड्यूस करता है हॉर्स पावर, लेकिन ऑब्वियसली CB150 की जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा है, तो इनके पावर का वो कंपेरिजन नहीं है. फिर भी मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों के ऊपर इन्होंने जितना वेट डाला है इन दोनों इंजन के ऊपर, 124 kg CB150 है, 113 kg 125 YBR है. ठीक है, इनके जो इंजन के ऊपर ये वेट डाला हुआ है ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है. ठीक है, CG125 जो है आई गेस 100 kg है या समथिंग 90 kg है और उसमें 125 इंजन लगा हुआ है और वो पावर के लिहाज से बीस्ट है. ठीक है, पिक में इनको भी नेड़े नहीं आने देता CB150, ऑब्वियसली थोड़ा सा उसको निकलने नहीं देता, लेकिन फिर भी CG125 कंपीट कर लेता. इतना महंगा होने के बाद इसके पार्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन हैं एक्सपेंसिव. एक टाइम था बहुत ज़्यादा थे क्योंकि पार्ट्स अनअवेलेबल होते थे और कंपनीज तब मंगवाती थी जब किसी को ज़रूरत होते थे पार्ट, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव थे. तो पार्ट्स के लिहाज से ये थोड़ा महंगा है, YBR इतना महंगा नहीं है. अच्छा, इस वीडियो में मैं ज़्यादा बात CB पे कर रहा हूँ क्योंकि YBR के आपने बहुत सारे रिव्यूज़ देख चुके हैं मेरे, आपने अगर नहीं देखे तो चैनल्स पे देख सकते हैं. वैसे थोड़ा सा कंपैरिजन साथ साथ कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेनली मैं CB150 पे बनाना चाह रहा था वीडियो, तो मैंने कहा कंपैरिजन भी साथ हो जाएगा, रिव्यू भी हो जाएगा इसका. स्पीडोमीटर की बात करें तो इसका थोड़ा सा स्पीडोमीटर ख़राब है, इस पर आपने इसकी हालत पर भी नहीं जाना. यहाँ पर गियर इंडिकेटर दिया हुआ है, ठीक है, ज़रा डिफरेंट स्टाइल का है. फ्यूल गेज है, ट्रिप मीटर दिया हुआ है, ठीक है, RPM मीटर है. यहाँ पे एक लॉक होता है जो स्विच को लॉक करने के लिए होता है, ठीक है, वो यहाँ पे टूटा हुआ है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं. YBR में देखें तो यहाँ भी इन्होंने गियर इंडिकेटर सब कुछ वही फीचर्स हैं, सेम टू सेम. ठीक है, उसके अलावा CB पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने डिपर का ऑप्शन दिया हुआ है,
यही एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है इसके अंदर डिपर का, बाकी सब कुछ सेम है, लाइट्स के, हॉर्न के, सेल्फ स्टार्ट है, ठीक है, और सेम टू सेम यहाँ भी है, इसमें डिपर नहीं है और किल स्विच भी नहीं है, जो कि इसमें भी नहीं है। एक मैं आपको साउंड टेस्ट करवा देता हूँ दोनों बाइक्स का, पहले करते हैं YBR G। काफ़ी लाउड साउंड है बाइक्स मॉडल की, पुराने मॉडल्स में नहीं थी ये साउंड। काफ़ी डिसेंट साउंड है, नॉट टू लाउड जैसे होंडा के जो CB125 है, CG125 है, उनकी जो साउंड होती है उस तरह नहीं है, बहुत स्मूथ सी साउंड है, ठीक है, चलाते हुए बड़ा अच्छा लग रहा होता है। उसके अलावा फीचर्स की बात करें तो सीट इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी चौड़ी करके बनाई है, ठीक है, बैठने में बहुत आसानी होती है, 2 persons के लिए बेहतरीन है ये चीज़। और जहाँ तक YBR की बात है तो ये मैंने कवर लगाया हुआ है, इसकी भी पैटर्न कुछ ऐसा ही है, बट इतनी अच्छी सीट नहीं है, ठीक है, इस पर वैसे भी एक बंदा बैठ सकता है, दूसरे को मुश्किल होती है, क्योंकि होंडा वालों ने थोड़ी सी सीधी सीट बनाई है और इन्होंने थोड़ी स्पोर्टी लुक में उठा के बनाई है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सस्पेंशन के लिहाज से, लॉन्ग टूर्स के लिहाज से दोनों बाइक्स बेहतरीन है, कोई मसला नहीं आता, बड़ी स्मूथ राइड है दोनों की, ठीक है, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं, मैंने खुद भी चला के देखा है, लॉन्ग पे नहीं चेक किया, डायरेक्ट सिटी में ही किया है, लेकिन फिर भी पता चलता है कि यार मतलब 100 से ऊपर जब बाइक जाता है ना तो वो बहुत स्मूथ जा रहा होता है। फ्यूल एवरेज की बात करें तो YBR G की बेटर है फ्यूल एवरेज, CB150 जो है सिटी में तकरीबन 35 से 40 देता है, ठीक है, और लॉन्ग पे 40+ देता है, 43 something, जबकि YBR जो है सिटी में भी तकरीबन 40+ देता है और लॉन्ग टूर पे भी 45-50 तक देता है, और आवाम जो लंबी लंबी छोड़ती है वो कहते हैं कि 60 भी देता है। अच्छा, ये बात होगी इनके फीचर्स पे, ठीक है, CB150 की मैं एक POV राइड लूँगा, उसकी एक और अलग से वीडियो बना लूँगा, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक्सीडेंटल बाइक है जैसे मैंने पहले बताया, तो इतना आसान नहीं हो रहा इसको चलाना, स्पीडोमीटर भी नहीं चल रहा, तो वो मज़ा नहीं आएगा। अफ्तारी का टाइम भी हो रहा है तो अफ्तारी करते हैं जाके, बाकी बाइक के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। प्राइस की बात करें आखिर में इनकी, तो इस टाइम पे CB150 की जो प्राइस है वो 292 है, 2,92,000, और YBR 125 जो है इस टाइम 2,42,000 का है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैं इन प्राइसेस पे बिल्कुल मानता नहीं हूँ, ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती इनके फीचर्स को, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये रेट नहीं होना चाहिए। जैसे कि GS 150 है इस टाइम पे, वो भी 230 का मिल रहा है, बट उसमें ये फ़ीचर्स नहीं है, फ़ीचर्स कम है मतलब इनसे, और शेप भी पुरानी है, तो उसकी प्राइस इतनी बनती नहीं है, अब हो गई है इतनी, और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है नीचे, तो आनी नहीं है प्राइसेस, तो खैर प्राइसेस जस्टिफाई नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है। और वेटिंग फॉर सुजुकी 125, सुजुकी वाले 125 निकालें जल्दी से, फिर कंपैरिजन बनेगा YBR के साथ, फिर देखते हैं कि मुकाबला कैसा है। तो POV राइड के लिए CB150 की आप नेक्स्ट वीडियो देखें, दैट्स इट फॉर टुडे। थोड़ा सा रिव्यू, मुझे पता है इतना मैं डिटेल में नहीं जा सका ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ ज़्यादा टाइम मिला तो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा और सारे फीचर्स पे बात करेंगे। अगर मेरा ओपिनियन लें तो मैं CB150 को प्रेफर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि YBR मैंने लिया ही लुक्स के लिए था, तो लुक्स में भी प्रेफर नहीं करता, पावर में ऑब्वियसली वो बेटर है, उस पर मैं बात नहीं कर सकता, प्राइस के लिहाज से टू मच, बहुत ज़्यादा प्राइस है, ठीक है, उसके लिहाज से भी पूरा नहीं आता। YBR भी महंगा है, बहुत महंगा है, CB150 और भी महंगा है। CB125 से मैं इसका कंपैरिजन करूं तो वो बात अलग जाती है कि यार वो पावर में ले जाता है बाजी, शेप में YBR ले जाता है, कंफर्ट में YBR सेम है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। ब्रेकिंग की बात करें, ठीक है, और बाकी फीचर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना फीडबैक शेयर करें, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, और वीडियोज़ का वेट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, दैट्स इट, अल्लाह।